और नहीं यार मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, वो लेडीज आई हुई हैं रिपोर्ट दर्ज करवाने के वास्ते। मुझको ये बताएं, व्हेन दिस हैपेंड, ये वकुआ कहाँ क्यों और कब हुआ, जरा इसकी डिटेल फरमाएं। आज सुबह मैं सुपरमार्केट गई थी, वहां से जब मैं वापस घर आई तो गुड़िया घर पर ही नहीं थी। अच्छा ये बताएं, ये जो गुड़िया रानी है आपकी बलूंगड़िया है, इसका होलिया क्या है, जिसामत क्या है, और रंग खिलता हुआ गुलाबी है, आंखें नीली हैं या पीली हैं, जरा डिटेल बताएं मुझको। मैं आपको उसकी तस्वीर दिखा देती हूँ, ये देख। कैसी मशरूम प्यारी प्यारी बच्ची है, अल्लाह इसकी हयाती दे। आप फिक्र ना करें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ये बताएं कि आपके घर में जो रिश्तेदार आते जाते हैं उनके नाम, उनके एड्रेस और उनके टेलीफोन नंबर अगर आप बताना मुनासिब समझे तो बताएं। मैं गुड़िया के साथ अकेली रहती हूँ घर पर। बिल्कुल अकेली रहती हैं आप, अपने मजाजी खुदा के साथ नहीं रहती? जी, लेकिन हमारी डिवोर्स होने वाली है। अच्छा तो आप उनकी ज़ौजियत में हैं सेटल, किसे पर शक है आपको? जी, ये हैदर का ही काम है। गुड़िया की उम्र कम होने की वजह से कोर्ट के फैसले के मुताबिक वो मेरे साथ रहने वाली थी, और हैदर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। इनफैक्ट कल रात मुझे हैदर ने धमकी भी दी और उसने कहा कि वक्त पड़ने पर वो कुछ भी कर सकता है। ये हैदर आपके शौहर का नाम होगा यकीनन? जी, बदकिस्मती से। अच्छा तो ये हैदर नामी जो शौहर है आपका, उसका टेलीफोन नंबर और उसका एड्रेस वो बताएं। जी, मैं आपको उनका पता बताती हूँ। लिखाएं। हारिस, हारिस गुड़िया किडनैप हो गई है। कब, कैसे? आज सुबह ही हुआ है। मैंने तो जाके पुलिस स्टेशन में FIR भी कटवा दी है। FIR? किसके खिलाफ? हैदर के खिलाफ, और कौन कर सकता है ये सब कुछ? अच्छा किया तुमने। ओके, तुम जल्दी आओ। मैं आ रहा हूँ, फोन रखो। याद हो गया आपको? सर, बच्ची की माँ को शक नहीं, पूरा यकीन है कि ये अगवा उसके शौहर और बच्ची के बाप हैदर ने किया। नहीं नादर हुसैन, एक बाप अपनी बेटी को क्यों अगवा करेगा? वो इसलिए सर कि फरजाना और हैदर की तलाक होने वाली थी, और बच्ची की कम उम्र की वजह से कोर्ट उसे फरजाना के साथ रहने का हुक्म देने वाली थी, शायद इसीलिए उसने ये कदम उठाया। चलो चल के देखते हैं कि आज के बाप इतने संगदिल हो गए हैं या माए सफाकी पर उतर आई हैं। मेरी बेटी अगवा हुई है और आप उसी बरामद करने मेरे घर आ पहुंचे, क्योंकि फरजाना ने तुम्हारे खिलाफ FIR कटवाई है। मगर मैं जाती तौर पर यहां से गुड़िया को बरामद करने नहीं आया, बल्कि ये जानने आया हूं कि आखिर कब तक मासूम बच्चे अपने मां बाप के इख्तलाफात की भेंट चढ़ते रहेंगे। कल रात तुमने फरजाना को धमकी और मिस कॉल भी की थी हैं? और उसे जबरदस्ती करने का भी कहा था? देखो इधर, हमें सब कुछ सच सच बताओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं आज गुड़िया से मिलने जा रहा था और ये सब चीजें भी मैं गुड़िया के लिए लेके आया। और ये बात सच है कि रात मेरी फरजाना से फोन पर बात भी हुई थी, बस मुझे किसी बात पर गुस्सा आ गया था। अभी तक कलामी किस बात पे हुई थी उनसे? मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए बार बार उसे फोन कर रहा था और वो मेरा फोन नहीं पिक कर रही थी, बस ये बात थी। सर, सर हमने उधर का तलाशी ले लिया है, उधर कोई बची नहीं है। तुम्हारे केस का फैसला कब आ रहा है? 4 दिन बाद। सर इधर भी देख लिया, कोई बची नहीं है।
चलो